India wants to be the third largest economy by the year 2030. But is it possible? Yes, definitely. क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग जनरेशन ह्यूमन रिसोर्स है. इसका मतलब कि आगे जाके यही छोटे बच्चे अलग अलग कंपनीज के सीईओस बन सकते हैं या खुद का एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. पर ये मुमकिन होगा कैसे? हम अपनी यंग जनरेशन को ऐसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं जिसके वजह से दे विल बिकम बेटर इंडिविजुअल्स? टू डू दिस एनईपी वाज ब्रॉट इन. न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिटरमाइन करता है कि ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए एजुकेशन में जिससे अपने इंडिविजुअल्स ऑलराउंडर्स हो और अपनी फील्ड्स में बहुत बेटर हो. तो एनईपी जो एक टॉप लेवल डिजाइन है, उसके बाद में एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी डिटेल डिजाइन किया गया. इस डिटेल डिजाइन में बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बताया गया है कि क्या चेंजेस आने के बाद ही हमारे बच्चों का ट्रेनिंग करेक्ट होगा. इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट चेंजेस है. सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है द स्ट्रक्चर चेंज. द न्यू स्ट्रक्चर इज 5+3+3+4. आप सोचोगे ये है क्या स्ट्रक्चर? लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. अभी से बच्चों को नर्सरी एट द एज ऑफ 3 years स्कूल में डाला जाएगा. बट इस टाइम बच्चों को सिखाया जाएगा बहुत ही प्ले वे मेथड से, जिससे बच्चे सीखे पर ऑल्सो पढ़ाई को इंजॉय करें. उनको अलग अलग तरीके के गेम्स सिखाए जाएंगे. इस गेम से बच्चे अलग अलग इंटेलिजेंस जैसे सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी सीख पाएंगे. नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 5 years खत्म करके बच्चे जाएंगे सेकंड स्टेज पे, जिसमें स्टैंडर्ड 3 से स्टैंडर्ड 5 ये सिखाया जाएगा. इन स्टैंडर्ड्स में बच्चों की असेसमेंट ली जाएगी, ना के एग्जाम्स. तो बच्चों को एग्जाम का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है. वो क्या सीखे इसकी टेस्ट होगी, पर बहुत ही ओपन वेज में. स्टैंडर्ड 6, 7, 8 ये थर्ड स्टेज रहेगी. ये 3 years में बच्चों को और स्ट्रक्चर तरीके से सिखाया जाएगा. इसमें ही कोडिंग का भी इंट्रोडक्शन किया जाएगा ताकि सारे बच्चों को थोड़ा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जरूर हो. स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11th एंड 12th ये 4 लास्ट स्टेज रहेंगे. इसमें 9th एंड 10th में ब्रॉड बेस्ड स्टडी सिखाया जाएगा, विच मीन्स चिल्ड्रन विल बी इंट्रोड्यूस टू बोथ curricular and extra curricular activities. सारी activities को enough importance दिया जाएगा so that बच्चों को ये नहीं लगे कि सिर्फ पढ़ाई important है, overall growth उतना ही important है. 11th and 12th में बच्चे detail study कर सकते हैं on whichever areas they're interested in. इस structure को देख के आपको पता चलेगा कि children can grow in a holistic manner. 9, 10th, 11th, 12th में बोर्ड एग्जाम्स जरूर होंगे, पर इन एग्जाम्स को इजी किया जाएगा बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड हैज लर्न्ड रादर देन व्हाट द चाइल्ड हैज बाय हार्टेड. सो दिस वे द स्ट्रेस ऑफ द चाइल्ड विल बी रिड्यूस्ड, पर उसी के साथ बच्चों को एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा. एनईपी और एनसीएफ में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अगर आप चाहते हो कि आपको इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, please click on the link below.